मौसम समाचार में आपका स्वागत है। रोजाना ताजा मौसम की अपडेट पाने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें डीडी परफेक्ट न्यूज को। तो चलिए जानते हैं आज कैसा रहेगा पूरे देश भर के मौसम का हाल। यूपी के इन 65 जिलों में येलो अलर्ट, बारिश के साथ ओले गिरने और धूल भरी आंधी चलने की संभावना। उत्तर प्रदेश में बीते कुछ दिनों से गर्मी बढ़ने लगी है, हालांकि अगले कुछ दिनों तक लोगों को लू के साथ भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग से राज्य के 65 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। विभाग की माने तो इन जिलों में बारिश के साथ तेज रफ्तार वाली हवाएं चलने की भी संभावना है। यहां आंधी और बिजली गिरने की संभावना जताई गई है, जिसको देखते हुए लोगों को अलर्ट रहने की सलाह विभाग द्वारा दे दी गई है। विभाग की माने तो बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, बस्ती महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई, फरुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, कासगंज, एटा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल, बदायूं, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर और आसपास के जिलों में बारिश होने की संभावना है। भीषण गर्मी से राहत, आईएमडी ने इन जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तो वहीं अगले 3 दिनों तक यूपी के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा राज्य के ज्यादातर हिस्सों में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। इससे अगले कुछ दिनों तक लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी। राजधानी लखनऊ में भी आज पूरे दिन आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। शाम को यहां हल्की बारिश भी हो सकती है। लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा नोएडा में पूरे दिन बादल छाए रहेंगे। यहां न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक रहने की संभावना जताई गई है। वाराणसी की बात करें तो यहाँ भी कई दिनों के वक्त हल्के बादल छाए रहने की बात कही गई है। तो वहीं बीते कुछ दिनों के मुकाबले तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की कमी आ सकती है। तो दोस्तों, ये था छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने यार दोस्तों में शेयर करें और जुड़े रहें मौसम की ताज़ा जानकारी से अपडेट रहने के लिए। धन्यवाद।